सीधी का 5 उपचुनाव था जिसमें बड़ी शिकस्त मिली है और वही 5 राज्यों का भी चुनाव सामने है। तो क्या ऐसा कि सारे के सारे नेतागण आपके 5 स्टेट में लगे थे, इस 5 उपचुनाव पे ध्यान नहीं दिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, हम सभी चुनावों पर समान रूप से ध्यान देते हैं। हमारे नेता ये भी कटु सकते हैं कि 5 स्टेट के चुनाव है तो हमारे नेता उसमें व्यस्त हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ और पूरी तन्मयता के साथ ये उपचुनाव की लड़ाई लड़े। लेकिन आपको MCD को समझना है, दिल्ली की MCD को, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 4 सीटें ऑलरेडी उन लोगों के पास थी, 1 सीट हमारे पास थी, 5 में से 1 सीट हमारे पास थी जिस पर उपचुनाव, और हार जीत राजनीति का खेल है, हार जीत होते रहती है। ये कटु सत्य है कि सबसे ज्यादा यदि किसी भी राजनीतिक दल का अगर जमानत जब्त हुआ होगा, तो जब जनसंघ से हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे ज्यादा जमानत जब्त हुआ हमारा, लेकिन आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये उपचुनाव में हम अपना जो हमारे पास 1 सीट था हमने उसको खो दिया, तो उस पर निश्चित रूप से हम चिंतन करेंगे कि हम किस एजेंडे के साथ फिर हम अगले चुनाव में जाएं 22 में, कि हम जीते, इस पर हम चिंतन करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन अब सोचना पड़ेगा इस पब्लिक को भी और हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि ये जो झूठों के सरदार की जो सरकार बनी हुई है, जो कि प्रत्येक बात को झूठ में व्यक्ति बोलता है लेकिन वो झूठ को सत्य साबित करने में कामयाब हो जा रहा है, आज उन्हीं के वजह से MCD में जो कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, वो दिल्ली सरकार के पास 13,000 करोड़ रुपया बकाया है MCD का, सभी निगमों का, तीनों निगमों का, सरकार दे नहीं रही, उसके वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। जो कोरोना वॉरियर्स थे उन्होंने जो काम किया, शिक्षकों ने काम किया, डॉक्टरों ने काम किया, नर्सों ने काम किया, सफाई कर्मचारियों ने काम किया, अपना घर द्वार छोड़ करके काम किया, अपने जीवन को रिस्क में डाल करके, रिस्क जोन में डाल करके कोरोना के पीरियड में काम किया, उनको सैलरी नहीं जा रही है और दिल्ली सरकार पैसे रिलीज नहीं कर रही है, तो इससे बड़ा दुखद विषय नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी यदि दिल्ली की जनता उनको जिता रही है तो उसमें क्या कहा जा सकता है। लेकिन सच्चाई है, आज नहीं तो कल जनता सच्चाई को समझेगी। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, हम अपनी प्राथमिक इकाई हमारी बूथ की इकाई है, हम बूथ इकाई से शुरू करेंगे और जो 2-4% 5% की कमी रह गई है तो उसको हम 51% पर लेकर के जाएंगे, ताकि हम किसी भी हालत में चुनाव को नहीं हारें। अब हमारा फोकस 51% पर वर्किंग करने का होगा। और जहाँ तक आपने पूछा है कि भाई MCD में हम शिकस्त खा गए, तो आप शिकस्त किसको समझते हैं, अपना अपना दृष्टिकोण है। मेरे जानकारी से अगर 1 सीट को छोड़ दें तो सभी सीटों पर, चारों सीटों पर हमारा परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है, घटा नहीं है, तो मैं इसको शिकस्त के रूप में नहीं ले सकता। तो सर, जो जिस प्रकार से अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर 26,000 करोड़ का आरोप लगाया, तो आप क्या उन्हें जेल भेज पाएंगे? इस पूरे दिल्ली के या पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने मंत्री थे, यहाँ तक कि महामहिम उस समय राष्ट्रपति थे, उनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन अब आपकी सेंट्रल में सरकार है तो इतने बड़े जो है इनके ऊपर आरोप लग रहा है CM के ऊपर, तो उन्हें क्या जेल पहुंचा सकते हैं? देखिए, हमारे बिहार पूर्वांचल में एक होता है पलटू राम, उन्होंने जिन हमारे नेताओं के ऊपर केजरीवाल ने आरोप लगाए वो कोर्ट में जाकर के सरेंडर कर गए, उनसे माफी मांग लिया, हाथ पांव पकड़ लिया। तो हम लोग राष्ट्रवादी हिंदूवादी विचारधारा के आदमी है, कोई शरणागत होता है तो कह देते कि तथा अस्तु, कोई जाओ गलती मान लिया तो मैंने तुमको क्षमा कर दिया। तो क्या सर, वैसे आप लोगों ने भी क्षमा कर दिया? लेकिन जिस दिन केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की आप बात की, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात बताया कि उन्होंने हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली जी पर आरोप लगाया था, आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोर्ट में उन्होंने माफी मांगा, उन्होंने हमारे नितिन गडकरी जी पर आरोप लगाया था, उन्होंने माफी मांगा, उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगा। लेकिन आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता पर कभी कोई आरोप लगाया हो तो वो किसी से माफी मांगा हो, वो हमारा कोर्ट जाते जाते हमारा विषय समाप्त हो जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ये जल बोर्ड में जो 26,000 करोड़ का घोटाला किए हैं, तो उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल
उनको लपेटे में आना पड़ेगा और उनको जेल जाना पड़ेगा, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। जब लालू प्रसाद यादव जी जब चारा खा रहे थे तो उनको मालूम नहीं था कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन जब समय आया, जब साक्ष्य सारे उगते साक्ष मिले, वो प्रमाणित हुआ, तो आज भी जेल में है। तो इसी तरीके से आज नहीं तो कल केजरीवाल को और उनके कैबिनेट के बहुत सारे मिनिस्टर हैं जिनको जेल जाना पड़ेगा। ये गफलतबाजी में और झूठ सच बोल करके, झूठ के बुनियाद पर बहुत दिन सरकार का नींव रख करके आप पिलर बना करके और मंजिल बना करके सरकार को नहीं चला सकते हैं। आज नहीं तो कल उसका पर्दाफाश जरूर होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है।